छोटे क्या कर रही है? देख के नहीं मार सकता? विवान तुम भी, हमने मना किया है ना, आराम से खेलो बेटा, ये क्या कर दिया? सॉरी बड़ी माँ। विवान What was this? I'm so sorry, भाभी। भाई मैंने तो साइड चौका मारा था, पता नहीं बॉल कैसे स्विंग होगी। विवान आरा, ये क्या है? हाँ ये बिल्कुल सही नहीं, मैं बता रही हूँ। विवान आई डोंट लाइक दिस। जी वो जी जी पक्का ना इन लोगों की ये स्ट्रेटेजी होगी हमें हराने की। ये कैसी स्ट्रेटेजी हुई विवान भैया? बिल्कुल लूजर्स वाला एटीट्यूड था ये, आपसे एक्सपेक्टेड नहीं था। नहीं अदिति सच में मैंने भाभी की तरफ एम नहीं किया था, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि बॉल कैसे यहाँ आ गई। ये सब छोड़िए ना, आप सब गेम कंटिन्यू कीजिए ना। ठीक है ना? मैं ठीक हूँ सच में। सिमर आर यू श्योर? ओके चलो ठीक है, लेट्स गो गर्ल्स। आरफ जी आप भी बात को आगे मत बढ़ाइए, चाहिए जाके गेम कंटिन्यू कीजिए। मैं अपॉइंटमेंट लगा के आती हूँ। मैं चलता हूँ साथ में। कोई बात नहीं आरफ जी, मैं जाके आती हूँ। जल्दी आना। इस दिए में तो घी कम है, ऐसे कैसे हो गया? कुछ नहीं हुआ गीत, कुछ नहीं हुआ। देखो तुम्हारी बड़ी माँ आ गई, अब तुम्हें अकेला छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ सॉरी बच्चा। शीला हाँ चली गई थी। शीला सुना नहीं कितनी जोर जोर से रो रही थी गीत। सॉरी सिमर भाभी, गीत सो गई थी और मैं सिर्फ वॉशरूम तक गई थी, और वॉशरूम तो जाना पड़ेगा ना भाभी। ठीक है जा, कोई बात नहीं, अब आपको कोई भी अकेला नहीं छोड़ के जाएगा।
140 रन बनाकर लड़कों की टीम अपनी पारी समाप्त कर चुकी है और अब बैटिंग कर रही है लड़कियों की टीम। लड़कियों की टीम के 2 विकेट गिर चुके हैं और अब बैटिंग क्रीज पर है रीमा ओसवाल और अदिति। हमारे साथ ना चीटिंग हुई है जी। जी हमें ऐसे आउट अनाउंस कर दिया है, हमारी कोई गलती भी नहीं थी, देखो ना। संध्या जी इसमें बुरा मानने की क्या बात है, जैसे कि जस्ट रिलैक्स। अरे चित्रा, संध्या भाभी, गेम है गेम, तेरा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रखिए ना। हम मैच देखेंगे, है ना, है ना। अब बताओ और कौन बचा है। अब गेम काफी सीरियस मोड पर है। हमारी गर्ल्स टीम की कैप्टन सिमर अब मैदान में आ गई है। जा सिमर, जा जा, मोसवाद बहू का नाम रोशन कर दे, जा जीत करा मेरी बच्ची, जीत करा। अब जीतने के लिए चाहिए 7 रन लड़कियों की टीम को और बोलिंग कर रहे हैं विवान, स्ट्राइकर एंड पर है रीमा ओसवाल। गाइस फील्डिंग टाइट थोड़ा सा, ओके चलो 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 अभी चलो। yes. हाँ हाँ ये बॉल सीधा हवा में गई और लगता है कि विवान बॉल कैच कर ले। कैच है छोटे। विवान भागो। विवान तू बॉल दे, बॉल दे। जाऊं क्या? छोटे क्या कर रहा है यार? 1 रन। ये तो चीटिंग है। कौन चीटिंग? तुमने विवान हमें बताओ क्या चीटिंग की है रीमा ने? बड़ी माँ वो इसने क्या किया? अरे क्या? बताओ। खेल को आगे बढ़ाते हैं। अब स्ट्राइकर एंड पे है सिमर। अब 2 गेंदों में 6 रन बाकी हैं। मुकाबला जोरों पर है, बाजी किसी भी तरफ पलट सकती है। देखना यह है कि जीत किस टीम की होगी, ओसवाल बॉयज की या ओसवाल गर्ल्स की। आरव क्या कर रहे हो बेटा? आराम से, सामने तुम्हारी सिमर है। जीजी ऐसे खेलेंगे तो कैसे चलेगा? हार जाएंगे चित्रा। मैंने बोला था सिमर को मत ले पंगा। कम ऑन आरव, कम ऑन कम ऑन, जीत गए हम लोग तो, ऑलरेडी जीत गए। प्रीमा मैं जानता हूँ लेकिन सवाल जीत का है ना? हाँ सस्पेंस बड़ा है लेकिन जो भी है प्यार से खेलो बेटा। Okay. क्या था ये? हाँ हार जीत अपनी जगह है लेकिन वी आर फैमिली, हमारा अपना परिवार है, क्या चोट लग जाएगी ध्यान से? मैं जानता हूँ मैंने इतनी जोर से मारी नहीं थी, पता नहीं बॉल कहीं चली गई इतनी जल्दी। कोई बात नहीं, हाँ ध्यान से संभाल के। अब बाजी बहुत ही सख्त नजर आ रही है। 1 बॉल पे 6 रन लेने हैं। देखना ये है कि गर्ल्स की टीम
ये बाजी मार पाएगी कि नहीं। बड़ी माँ आप देखना, ये बॉयज टीम ना चीटिंग कर रही है, ये लास्ट बॉल भी बहुत तेज डालेगा। एक आराम बेटा, आराम से हाँ। चलो वेरी गुड वेरी गुड। Well done, girls. क्या बात है सुमन? लास्ट बॉल पे सिक्सर, सच में तुम बेस्ट हो। आरव जी सिर्फ मैं नहीं, आप बोलिए गर्ल्स आर द बेस्ट। यस नो वे, बॉयज आर द बेस्ट। अरे इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी, ऐसे बॉल नहीं कर सकते, वैसे बॉल नहीं कर सकते, अब कह रही गर्ल्स आर बेस्ट। नो वे विवान, थोड़ा स्पोर्ट्समैनशिप दिखाओ यार और एक्सेप्ट कर लो कि गर्ल्स आर द बेस्ट। यस ओह रीमा तुम तो रहने ही दो, तुम चीटिंग करके जीते हो। उसे चीटिंग नहीं, उसे अपना दिमाग यूज करना कहते हैं, जो तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारे पास और हमारे पास है, बहुत दिमाग है, इसलिए तुम हार गए। तुम चीटिंग कर रही थी। पास पास पास, आपस में लड़ो नहीं। विवान ये खेल है, इसे खेल की भावना से खेलना चाहिए, है ना? और हमारे लिए तो जीत चाहे ओसवाल बॉयज की हो या ओसवाल गर्ल्स की, जीत ओसवाल की हुई है। ईस्ट और वेस्ट, ओसवाल्स आर द बेस्ट। मैं जाकर देख कर आती हूँ। पीछे की तरफ देखते हैं। रुको, प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज प्लीज थोड़ी देर यहाँ बैठ जाओ, प्लीज शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाओ रियान, मेरी छोटी सी बच्ची कितना डर रही है। मिल जाएगी, कुछ नहीं चाहिए, बस गीत ले आओ ना कहीं। शांत शांत हो जाओ अदिति, शांत हो जाओ। देखना माता रानी जरूर गीत को ढूंढने में हमारी मदद करेगी, प्लीज शांत हो जाओ प्लीज। बच्चे देख, बड़े माँ पापा सब ढूंढ रहे हैं ना, परेशान मत हो, गीत आ जाएगी। आप डीसीपी को फोन कीजिए, चाहे तो किसी मिनिस्टर को फोन कीजिए, पर मुझे मेरी बच्ची वापस चाहिए। सुना आपने? विमान भैया को फोन कीजिए ना, उन्हें फोन करके पूछो ना अभी क्यों नहीं आए जाते, उनको आ जाना चाहिए था ना। विमान को खुद पता चला, बताओ ना, बताओ ना जल्दी। हमने सब जगह देख लिया, लेकिन लेकिन गीत का पता नहीं चला।
सॉरी बच्ची। तूने पूरे घर की सीसीटीवी फुटेज निकालने के लिए कहा था ना, ये ले पेन ड्राइव। मैं वो चेक कर लेती हूँ। जल्दी जल्दी देख दे। जल्दी लगा दे। फॉरवर्ड करके देखते। ये क्या हुआ? देखना उसको जरा। भाई इतना ही है। अरे ऐसे कैसे इतना ही है? अरे घर में ऐसे कैसे गायब हो सकते हैं फुटेज? हाँ भाभी, आपने जो लास्ट शॉट मारा था वो सीसीटीवी कैमरे पे जाके लगा था और उसकी वजह से कैमरा टूट गया था, इसलिए शायद रिकॉर्ड नहीं हुआ कुछ भी। पता नहीं कैसा इम्तिहान। हाँ दीदी प्लीज चिंता मत करो, मिल जाएगी गीत। कैसे ढूंढेंगे मेरी बच्ची को? मैंने न्यूज में देखा था कुछ लोग छोटे बच्चों को किडनैप करके लेके चले जाते हैं, मेरी गीत को किसी ने किडनैप कर लिया हो तो मैं क्या करूँगी? नहीं मेरी बच्ची, कुछ नहीं होगा, मैं कह रही हूँ ना, मम्मा पर भरोसा है ना, कुछ नहीं होगा हमारी गीत को, कुछ नहीं होगा मेरी बच्ची। अगर गीत को कुछ भी हुआ ना तो मैं कह रही हूँ आप सब लोगों से, मैं जी नहीं पाऊंगी गीत के लिए, मैं मर जाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम खुद सोचो ना, अगर ऐसा कुछ होता तो वो फिरौती के पैसे के लिए अभी तक फोन आ गया होता। नहीं मैं देखूंगी, मुझे अपनी बेटी चाहिए। हेलो